थाना हाईवे क्षेत्र में प्रेम संबंधों के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भाई ने ब्लैकमेल का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत, कार्रवाई की मांग। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये मामला थाना हाईवे के सौख रोड का मामला है, जहां एक विवाहिता ने किराए के मकान पर रहकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन की शादी आगरा क्षेत्र में हुई थी और उसके 3 बच्चे हैं, जो 7 या 8 महीने पहले ही पारिवारिक कलह की वजह से वो अपने एक बच्चे को लेकर मथुरा रह रही थी। नानोर कहां से आए आप? जी मेरा नाम दिनेश है, मैं निधिवन कॉलोनी सौक रोड गिरधरपुर से आया हूँ। क्या समस्या लेकर? समस्या साहब, हमारी बहन ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड की वजह उसकी ब्लैकमेलिंग थी। वो एक लड़के से बात करती थी, उसको हम भी पहचानते थे। उसके चलते उनका प्रेम संबंध हो गया और उसने अश्लील वीडियो बना ली उसकी। उसको ये धमकी देता था कि अगर तू मेरे साथ प्रेम संबंध में नहीं रहेगी तो मैं ये वीडियो वायरल करूँगा। उसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। उसके साथ शादी की थी? शादी सर हमने सुसपाल के साथ शादी की थी, गांव खड़वाई में, रुनकता आगरा में। 7-8 महीने पहले सर हमारी ये यहाँ लड़ाई, थोड़ी सी झगड़ा हो गया था घर में, तो वो हमारे यहाँ, हमने अपने यहाँ बुला लिया था, तो वो रेंट पे किराए पर रहती थी। तो आप एसएसपी कार्यालय आए हो, क्या कारण? कारण ये है सर, वहाँ जाते हम 23 तारीख की ये वारदात है सोसाइटी की, आज तक हमें वहाँ से कोई कुछ वो नहीं मिला है, आश्वासन नहीं मिला। जाते हैं, भगा देते हैं, बोल देते हैं तुम्हारा काम हो रहा है, चल रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम सर ये न्याय चाहते हैं और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए साहब, ये चाहते हैं हम। कब की घटना है ये सब? 23/4/2024 की घटना है। उसे मार दिया? उसे मार दिया सर। कहाँ पे मारा था? क्यों से थाने में? हाईवे थाने में, मंडी चौकी में ये आता है, हाईवे थाने में। और सर किराए पे रूम में रहती थी, उसने आत्महत्या कर ली सोसाइटी के कारण। हाँ सर, 3 लड़के थे, 2 लड़के ससुराल में रह रहे हैं, 1 लड़का उसके साथ रहता था। कितने साल पहले शादी की थी सर? 20 साल पहले, सन 2004 में शादी की थी सर।